बाहर देख लो कितना बढ़िया है। मैंने इंडिया में भी करी है बट ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ का जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही डिफरेंट रहा। आज के वीडियो में सीन कुछ ऐसा है कि मैं आया हूँ नॉर्थ एंड रिवरसाइड पार्क। अब क्योंकि मैं घर पे बैठा बैठा बोर हो रहा था जेन्युइनली स्पीकिंग है ना, तो आज वीकेंड था कहीं जाने का मन भी कर रहा था, तो मैंने एक्चुअली क्या करा है कि मैंने गो कार्टिंग की बुकिंग करा ली है जिसमें मुझे मिलेंगे 3 लैप्स। आज तुम्हारा भाई गाड़ी चलाएगा एकदम स्पीड वाली। तो नॉर्मल रोड पे अपन लोग गाड़ी चला नहीं सकते स्पीड पे क्योंकि 70 की स्पीड मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन गो कार्टिंग में जितनी स्पीड में चला सके तो चलाएंगे। अभी किसी ने रेसिंग लगानी होगी, कोई ऐसा बोलेगा कि मैं तेज चला सकता हूँ मैं स्लो चला सकता हूँ, जिस दिन मिलेंगे उस दिन साथ में गो कार्टिंग करेंगे या गाड़ी चलाएंगे। और पिछली वीडियो के लिए थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। और जिन लोगों को वो गेम नहीं पता है उसका नाम है ब्लैक जैक, और ब्लैक जैक में तुम्हारा भाई है माहिर, कभी होगा तो ब्लैक जैक साथ में खेलेंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं आया थोड़ा वॉक करने के लिए क्योंकि मेरी जो बुकिंग है गो कार्टिंग की वो है 8:30 बजे, तो मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा यहाँ पे पास में थोड़ा सा पार्क था तो मैंने बोला यहाँ पार्क में आ जाते हैं बिकॉज आई लव नेचर, है ना, तुम्हारा भाई एकदम नेचर से प्यार करता है। तो मैं बोला यहाँ पे पार्क में आते हैं थोड़ा सा टाइम पास करते हैं, आधा घंटा यहाँ स्पेंड करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट गो कार्टिंग करने चलते हैं। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, और जिसने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करा है थैंक यू सो मच, और जिसने नहीं करा जाके सब्सक्राइब करो भाई, इतना प्यार तो दिखाओ, इतनी मेहनत कर रहा तुम्हारा भाई, इतना प्यार तो बनता ना यार। ये घर साइड पे इतने प्यारे लग रहे हैं ना देखो पीछे, लेकिन एक्चुअली अपार्टमेंट्स, और मुझे अपार्टमेंट्स इतने ज़्यादा पर्सनली इतने ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहता है, उतनी स्पेस है उतनी ही जगह है तुम्हारे लिए, तो इसलिए मैंने अपार्टमेंट नहीं लिया। पहले मैं अपार्टमेंट में रहता था, जब मैं बर्मिंघम रहता था मैं अपार्टमेंट्स में ही रहता था, बट यहाँ आने के बाद मैंने घर ले लिया था। तो ऐसे एक्चुअली देखा जाए यू हैव योर ओन स्पेस, तुम्हारी अपनी पार्किंग स्पेस है, अपना ड्राइविंग ड्राइव थ्रू है, तो ये चीज़ें थोड़ी अच्छी रहती हैं, उस चीज़ में थोड़ी हेल्प हो जाता है कि तुम्हारी ऑन रोड पार्किंग नहीं है, ऑफ रोड पार्किंग है, ड्राइववे है तुम्हारा अपना खुद का, तो उस चक्कर में ये अच्छे रहते हैं। और इनके रेंट्स वगैरह इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव, अपार्टमेंट्स ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द एरिया वेयर यू लिव राइट। तो यहाँ के विदिशा जिस एरिया में मैं अभी आया हूँ यहाँ का रेंट इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट येस इट इज़ 800-850 उस रेंज में जाता है। तो अच्छा था यार ये पाक का एक्सपीरियंस। आउटफिट कैमरा ले लिया मैंने, हेलमेट के ऊपर मैंने कैमरा लगवा लिया क्योंकि वॉइस रिकॉर्डिंग हो जाएगी, थोड़े से शॉट्स वहां से ले सकता हूँ। तो अभी हम आए हैं ब्रीफिंग रूम में जहाँ पे ये लोग अभी आके एक्सप्लेन आउट करेंगे कि कैसे आपको गो कार्ट चलानी है और क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो अभी वो लोग इंस्ट्रक्टर आ रहे हैं, वो लोग समझाएंगे, वो करने के बाद हम लोग जा रहे हैं लैप करने के लिए। स्टे ट्यून्ड गाइस। तो अपनी ब्रीफिंग हो गई अभी कंप्लीट, बहुत अच्छे से उन लोगों ने एक्सप्लेन करा, तो अभी हम जा रहे हैं रेस ट्रैक पे। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. No, right, okay. Number seven.
भाई जेन्युइनली बहुत मज़ा आया, आई होप तुम लोगों को मज़ा आया देखने में। अभी आधा घंटा हुआ है, ब्रेक लिया 5 मिनट की, उसके बाद 15 मिनट की एक और लैप बाकी है। बहुत फन हुआ, मज़ा आ रहा है। अभी मैं थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ क्योंकि आधे घंटे से ड्राइव कर रहा था, बहुत तेज़ स्पीड में चलाया, जितना हो सका उतना मैंने चलाया अपनी साइड से। थोड़ा प्यास लग रही है, गला सूख गया, पानी पीता हूँ फिर अगले लैप के लिए जाता हूँ। सी इन अ बिट गाइस। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I... मैंने इंडिया में भी करी है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ का जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही डिफरेंट रहा। तो रैंकिंग के बारे में बात करूँ तो इट वाज ओके, मतलब इतना कोई बेस्ट नहीं करा, बट जैसे जैसे रेगुलरली प्रैक्टिस होती रहेगी, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है और मैं रेगुलरली यहाँ पर आया करूँगा। अभी ये था मेरा एक्सपीरियंस गाइस। अभी थोड़ा चेंज वेंज करता हूँ, ये कपड़े इनके इनको वापस दे देता हूँ। जो मैंने कैमरा लिया था गोप्रो के ऊपर, उसकी रिकॉर्डिंग भी हो गई है, वो रिकॉर्डिंग और अपनी यहाँ की रिकॉर्डिंग दोनों क्लिप्स में ऐड कर दूंगा। अभी बहुत टायर्ड हो गया हूँ, 45 मिनट्स ड्राइव करी है, इतने में मैं बर्मिंघम पहुँच जाता मैनचेस्टर से। तो अभी चेंज करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। सीन अ बिट, हो गए अपने सारे सेशन कंप्लीट। इनसे सिर्फ QR कोड ले रहा हूँ, जो YouTube पे अपने को जो कैम लिया था उसका जो रिकॉर्डिंग है वो YouTube पे मिल जाएगा, तो उनकी YouTube की वीडियो में अपनी वीडियो में यूज़ कर दूँगा।